आरटीआई कानून में बदलाव को लेकर राजधानी के आजाद चौक में आज आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार से वापस लेने की भी मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल सुगना ने बताया कि केंद्र सरकार पारदर्शिता नहीं चाहती है, इसलिए ऐसा संशोधन बिल लाया गया जिसमें सूचना का अधिकार अपने हाथों से नचाने की कोशिश की गई है। ममता शर्मा ने बताया कि जो संशोधन बिल पेश किया गया उसमें लोकतंत्र की हत्या की गई है। जैसे किसी व्यक्ति के मुंह और नाक को दबाकर कहा जाता है कि तुम सांस लो, ठीक उसी तरह यह संशोधन बिल है। इसका हम विरोध कर रहे हैं, आज पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली में पूरे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने इसमें दलील दिया था कि आरटीआई बिल के संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बता दें कि आरटीआई की धारा 13, 16, 17 में बदलाव किया गया है जिसकी वापसी की मांग की जा रही है। यदि यह मांग पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश भर में और देश भर में भी यह धरना दिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।